जारपीढ़े की चुनाव यात्रा अलीगढ़ पहुंच चुकी है। हम लगातार देश का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार लोगों का क्या मूड है, किसकी गारंटी पर वो अपनी गारंटी दे रहे हैं और किस इलाके में किस पार्टी की लहर चल रही है। जहां पर हम खड़े हैं ये अलीगढ़ है और यहां से मौजूदा जो सांसद है बीजेपी के नाम है सतीश कुमार, और कल तो यहाँ प्रधानमंत्री भी आए थे, उनके समर्थन में रैली करके गए हैं। और जो सपा के कैंडिडेट है उनका नाम है बिजेंद्र सिंह, और बसपा का कैंडिडेट घोषित हो चुका है, क्या नाम? हाँ, हो सका, उनका नाम हितेंद्र उपाध्याय है, हितेंद्र कुमार, हितेंद्र उपाध्याय बंटी, हितेंद्र कुमार उपाध्याय बंटी। मैं ये पूछ रहा हूँ, कल प्रधानमंत्री भी आए यहाँ पे और आज सुनने में अखिलेश यादव भी आए थे, मायावती भी आई हुई हैं, मायावती भी आई हुई हैं, तो क्या समीकरण कर रहा है, किसकी हवा भारी लग रही है? मोदी लहर है सब। अच्छा, और मोदी ही जीतेंगे यहाँ से, अपने अलीगढ़ से। कमल का फूल भी जीतेगा, काम कराए हैं कुछ, अपना शहर भी अपना स्मार्ट बना दिया है पहले से। अच्छा, और काफ़ी अच्छा हो गया, सड़कें वगैरह तंदुरुस्त हो गई हैं, साफ़ सफाई भी काफ़ी तक सही चल रही है अपनी, और पांचों विधायक भी अपने अलीगढ़ से ही हैं, और सांसद हमारे पिछले 2 साल से सांसद रह चुके हैं सतीश कुमार गौतम, और फिलहाल 3री बार भी सतीश कुमार गौतम ही बनने जा रहे हैं। ये लहर पूरी पूरी बीजेपी की है। और सपा कुछ खाता खोल पाएंगे यहाँ पे, टक्कर दे पाएंगे? टक्कर बसपा टक्कर दे सकती, नहीं बसपा नहीं दे सकती, सॉरी, वो सपा टक्कर दे सकती है। पिछली बार तो बसपा ने टक्कर दी थी ना, अजीत बलियान जब लड़े थे। जी जी, वो उस टाइम पे गठबंधन में हुआ था इनका, सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था, तब वो चुनाव हुआ। इस बार तो वोट कट जाएगा, बसपा चला गया, समाजवादी चला गया। हाँ, आपस में कट जाएगा दोनों का वोट। हाँ, काम हुआ है अलीगढ़ में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काम भी हुआ काफी। किसकी लहर चल रही है और क्या विकास हुआ है? विकास, इन्होंने स्मार्ट सिटी बना दिया है, उसके बाद काफ़ी एकदम हाईवे रोड निकाल दिए हैं, काफ़ी चीज़ उन्होंने काम किए हैं, यूनिवर्सिटी, हाँ अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी वगैरह काफ़ी अच्छी, रोडों को अच्छा बना दिया पहले से ही है। नहीं, रोड अच्छी कर दी है वहाँ की, यूनिवर्सिटी नहीं बननी है ना। अली, हाँ, राजेंद्र महेंद्र प्रताप एयरपोर्ट का उद्घाटन हो गया अपने अलीगढ़ का, जो धनीपुर मंडी बनाया है, अब नया जेबर एयरपोर्ट स्टार्ट होने जा रहा है इंटरनेशनल। काम के मुद्दे पे आप वोट कर रहे हैं? जी, हाँ जी, काम के मुद्दे पर ही वोट दिया जाता है। अच्छा, कोई काम करेगा तब आप किसी, मतलब जैसे मैं आपसे ही पूछूं, अगर आप, अच्छी बात है, मैं पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम इसलिए वोट कर रहे हैं तो हमारी विचारधारा मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही है, इसलिए मैं कंफर्म कर रहा हूँ, जो आदमी काम करेगा उसे ही वोट दिया जाएगा। माहौल मतलब टक्कर का होने वाला है, कुछ ना कुछ माहौल तो रहेगा। टक्कर तो खैर नहीं रहेगी, एक तरफा जीत ही रहेगी। बीजेपी पिछली बार भी एक तरफा ही जीत रहा था, करीबन 2-2.5 लाख वोटों से विजयी हुए थे सतीश गौतम, इस बार भी एक तरफा ही जीत रहेगी। चलो जी, सर आपका नाम क्या होगा? मेरा प्रेम उपाध्याय नाम है। सर, क्या लहर लग रही है, कौन आगे चल रहा है अलीगढ़ में? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका ही रहेगा हमेशा, उनका ही रहेगा, हमारा समर्थन हमेशा नरेंद्र मोदी जी को ही है। सतीश कुमार को वोट जा रहा है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट जा रहा है? हमारा वोट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जा रहा है। सतीश तो सिर्फ कैंडिडेट है। जी जी जी, काम हुआ है सरकार में इसमें? नहीं, काफ़ी काम हुआ है, और राष्ट्र हित को लेके अगर बात करोगे तो काफ़ी अच्छा काम हुआ है। जैसे काफ़ी सालों से हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी 370 और श्री राम मंदिर के लिए काफ़ी करते आए थे, तो उन्होंने अपने शासन में किया, बहुत अच्छा काम किया। 370 से अलीगढ़ वालों को क्या मिल गया? अलीगढ़ वालों को नहीं मिला कुछ, मतलब ये जैसे ही हमारे वहाँ पे हिंदू जो भी हमारे रहते थे, हिंदू पंडित, उनके साथ जो काफ़ी सारी चीज़ें आपको ही पता बहुत सारे गलत हुए हैं, तो उन चीज़ों को लेकर काफ़ी रोकथाम हुई है वहाँ पे, बहुत सुधार हो गया वहाँ पे। अच्छा, और बस राम मंदिर हो दूसरा। हाँ, राम मंदिर का भी, बाकी भी, और उन्होंने जैसे हमारे अलीगढ़ में भी स्मार्ट सिटी किया है, यहाँ पे हमारे अलीगढ़ में एयरपोर्ट भी आ गया है, ये बहुत बड़ी बात है हमारे अलीगढ़ के लिए, एयरपोर्ट हमारे आ गया यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अच्छी खासी फैसिलिटी है। विपक्ष कुछ टक्कर दे पाएगा सतीश कुमार गौतम को? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। क्यों, मतलब क्या ऐसा क्यों लग रहा है आपको? वो लग इसलिए रहा है क्योंकि उन्होंने जब इतने सालों से इनकी गवर्नमेंट पहले रह चुकी है, तब ये कुछ नहीं कर पाए, इतना ज़्यादा अच्छा कुछ काम नहीं कर पाए, तो अब मुझे तो नहीं लगता, तो इसलिए हाँ बीजेपी रहेगी। किसकी हवा भारी लग रही है अलीगढ़ में, कौन आगे चल रहा है, बीजेपी, बसपा, सपा? बीजेपी। वो क्यों? क्यों, सबका कामयाब है वो, सब जगह मंदिर बनवाया, सब कुछ करा उसने। मंदिर बनाना विकास में आ जाता है क्या? हाँ, बहुत बढ़िया है, हमारे लिए तो सही है। अच्छा, और किस मुद्दे पे वोट देंगे? अपना मोदी को ही जाता है हमारा वोट। मोदी को जाता है, मतलब मंदिर बनवा दिया इसलिए मोदी को वोट जाता है। विकास वगैरह कुछ नहीं, सब हमारा कॉलोनी बढ़िया चल रही है, वही पूछ रहा हूँ, वो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो टक्कर दे पाएंगे सतीश गौतम को बीएसपी वाले और सपा वाले? नहीं नहीं, हमने मोदी को ही, एक तरफा लहर है, मेरा रेस्टोरेंट सब बढ़िया चल रहा है काम। क्या माहौल है, कल नरेंद्र मोदी आए थे, अखिलेश यादव भी आ रहे हैं, बसपा भी आ रहे हैं, अलीगढ़ में चल क्या रहा है? अलीगढ़ में 3 संघर्ष चल रहा था, त्रिकोणीय संघर्ष है। त्रिकोणीय संघर्ष, क्या टकराएगा आपस में या फिर एक तरफा भाग जाएगा?
नहीं है, कुछ मामला पे गड़बड़ है साहब। हाँ अब मतलब साइकिल और इसकी बीजेपी की टक्कर है, बहुत काटे टक्कर काटे की है साहब, टक्कर बस नहीं वो बस पे ही तो उसे हार का कारण बन रही है बीजेपी, बीजेपी का, बीजेपी का बस पर हार का कारण बन रही है। कैसे वोट खींचेगी ना, वोट वो ममडन वोट से सब साइकिल पे जाए, उम्मीद यही है। सपा वोट और मुसलमान वोट सपा पे जा रहा है, उससे बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। सीट निकल जाएगी बीजेपी के लिए, बहुत फंस के निकलेगी सर, फंस के निकलेगी। काम हुआ है, विकास हुआ है, विकास हुआ है, खूब हुआ है। क्या-क्या विकास हो गया? सेंटर पॉइंट चमक रहा है, अलीगढ़ चमक रहा है, लाल डिग्गी चमक रहा है, कोर्सी पे पुल बन नहीं रहा है, मेट्रो भी भगवान ने चाहे तो बहुत जल्दी आ जाएगी। और क्या चाहिए पब्लिक को, हमारा ये दुआ है, कोई जीता है कोई हारा है, लेकिन बीजेपी निकलेगी, निकलेगी फंस के सीट निकलेगी, हाँ 20-25 हज़ार के राउंड में निकलेगी। आप कितना सहमत हैं इनकी बात से? हाँ ठीक है, सहमत क्या है, वो 10 साल तो देखते हुए हमें हो गई, पुल तो अभी तक कहीं बना नहीं है, बाकी ये कह रहे हैं क्वारसी पे बन रहा है, नहीं काम शुरू अब जाके हुआ है जब इलेक्शन आ गए, उससे पहले क्या था, ट्रैफिक तो आज भी वही है जो अलीगढ़ में पहले था, नहीं वो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन अभी जो मुद्दा, मैं जैसे अलीगढ़ में रहता हूँ तो मैं केवल अलीगढ़ की बात करूँगा, बाहर तो मैं ऐसे कम निकला हूँ, लेकिन ये है कि ये जो कह रहे हैं ठीक है, इनका अपना एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरा जो है ट्रैफिक के मामले में आज भी वही है घस जो चल रहा है हर जगह, ट्रैफिक में अब भी कोई रियायत नहीं देखने को मिल रही है। तो ट्रैफिक आपके लिए समस्या है? मेरे लिए समस्या है, ट्रैफिक भी है, और अगर देखा जाए विकास के नाम पे तो विकास के नाम पे ऐसा कुछ हुआ नहीं है जो प्रदेश, ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति देखा जाए वो विकास है, और मुख्य प्रधानमंत्री के उस पर देखा जाए वो विकास है, लेकिन अगर स्तरीय हाँ शहर के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा कोई विकास खास देखने को मिला नहीं है। स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी वो केवल यहाँ सेंटर पॉइंट पे देखने को मिल रहा है, उधर देखिए आप आउटर एरिया में देखिए, सेंट्रिक जगहों पे विकास हुआ है, वो तो खैर वैसे भी होना था, अगर यहाँ पे भी नहीं होगा तो फिर सरकार कैसे चलेगी, वो तो प्रदेश के जब मुख्यमंत्री वगैरह आते हैं तो सारी चीज़ें होती हैं। बस आप नौजवान हैं, क्या मुद्दे रहेंगे आपके इस बार? हम तो यही चाहेंगे अखिलेश जी आए। अच्छा अखिलेश जी आए, क्यों आए अखिलेश जी, क्या रीज़न है? इस सरकार में ना तो कोई भी नौकरी निकल रही है, सब में पहले कैंसिल हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है। अच्छा। कुछ मिल नहीं पा रहा है नौकरी, 5 साल बाद यूपी पुलिस की भर्ती आई, उसमें भी क्या नाम है पेपर लीक हो गया। अच्छा। बताइए क्या करें हम, 5 साल रिपोर्ट आई थी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें दावा किया गया है कि भारत में 83% पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार है, जो पढ़ा लिखा अच्छा पढ़ा लिखा है, पढ़ी थी आपने, रिपोर्ट आई थी, इसे दावा किया गया, क्या कहेंगे इस पर, क्या कहें बताइए आप, वही पूछ रहा हूँ ना, बेरोजगारी तो है सरकार में, बेरोजगारी तो है, पूरी पूरी बेरोजगारी है, केवल ये है इन्होंने केवल काम जो किया ना एक ही नाम पे आ रहे हैं, केवल हिंदू मुस्लिम, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है सरकार में। चलो काम हुआ है ये मानते हैं, हाँ गुंडागर्दी कम हुई है बाकी में ही, पर रोजगार की तरफ भी ध्यान देना चाहिए सरकार को, रोजगार बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी रोजगार नहीं है। बोलते हैं गुंडागर्दी खत्म कर दिया, राम मंदिर बनवा देती हूँ, 70 हो गया, ये सब मुद्दे उठाते हैं लोग। राम मंदिर क्या उन्होंने बनवाया, कोर्ट ने बनवाया राम मंदिर? हाँ वो तो कोर्ट ने डिसीजन दिया, लोग ऐसा बोल रहे हैं कि पूरा क्रेडिट बीजेपी को जा रहा है, वो नहीं जानते वो बोले कुछ भी, उनसे हमें क्या बताइए, ये अखिलेश जी आने चाहिए, बिल्कुल टक्कर का मुकाबला होगा इस बार, टक्कर बिल्कुल टक्कर जानी है, बिजेंद्र सिंह जी निकल सकते हैं, बिल्कुल बिजेंद्र सिंह निकलेंगे, क्योंकि अब जो आ इंसान के आंखों पे से पर्दा उठ चुका है, हिंदू मुस्लिम हाँ। सब समझ गए हैं, कुछ नहीं है इनका, एक जुमला है हाँ। और कुछ नहीं है, वो फैक्टर काम नहीं करेगा, अब वो फैक्टर कोई काम नहीं करेगा, कुछ के पे आंखों पे से पर्दा उठ गया है और कुछों के पे से उठना बाकी है बस। सर किसकी लहर लग रही है, कौन आगे चल रहा है, अखिलेश आ रहे हैं, मोदी आ रहे हैं, मायावती आ रहे हैं, चल क्या रहा है अलीगढ़ में? कुछ भी चला लो, जीतने मोदी जी हैं, क्यों का कारण मत जानो, क्यों तो आप जानते हैं हमसे यार बेहतर जानते हैं, मैं अपने ओपिनियन नहीं बता सकता, मैं किसी के प्रति मैं अपने ओपिनियन नहीं बता सकता, आप बता सकते हैं, हम केवल इतना ही कह सकते। कैसे हैं आप? नरेंद्र मोदी आए थे कल, अखिलेश यादव आ जाए हैं, क्या चल रहा है अलीगढ़ में, किस कौन अपनी लहर बढ़ाने में लगा हुआ है आगे? भैया कोई भी लहर बढ़ाए आएंगे तो वही, वो कौन? मोदी जी और कौन? वो क्यों आएंगे, मतलब रीजन क्या है? रीजन ये है कि अच्छा काम चल रहा, अच्छा एजुकेशन लाइन में, रोडवेज लाइन में, सब बढ़िया लाइन चल रहा। अच्छा। अभी तो युवा बोल रहे थे कि रोजगार नहीं है, बिल्कुल बेरोजगार घूम रहे हैं। अब भैया
आप एक बार बताइए, उनके लाइन पे लेबर क्लास आदमी अपना खुद का धंधा खोल रहा है, बढ़िया लोन मिल रहा है उनको, सब चीज मिल रही है, रोजगार सब जगह है, अब जो काम करना चाहता ही नहीं है उनके लिए तो बेरोजगारी है। मेरा तो यही कहना चलो जी, आपका ये कहना है तो थोड़ा सा। क्या नाम है सर आपका? धर्मेंद्र कुमार। सर कहाँ जा रहे? जल्दी में तो नहीं है? जल्दी में तो अभी तो बता रहा। चलो जल्दी जल्दी फिर जवाब सवाल करेंगे। अलीगढ़ में क्या माहौल चल रहा है, कौन आगे चल रहा है, बीजेपी सपा या? मैं तो चौधरी विजेंद्र सिंह को वोट दूंगा। सपा? हाँ सपा। अच्छा, वो क्यों, रीजन? मेरा फेवरेट इंसान है वो। अच्छा, व्यक्तिगत तौर पे आपको पसंद है? हाँ व्यक्तिगत तौर पे पसंद है मुझे। काम हुआ है बीजेपी की सरकार में भी? काम वाम मुझे नहीं पता, मैं तो बाहर रहता हूँ, दिल्ली रहता हूँ। वोट डालने तो आते होंगे ना यहाँ? हाँ वोट डालने की वजह से आया हूँ यहाँ। अच्छा, यही वोट डालने की वजह से? क्या माहौल लग रहा है? चौधरी विजेंद्र सिंह की टक्कर लग रही है अब के तो सांसद जी से, सतीश गौतम जी से। चौधरी विजेंद्र सिंह कल प्रधानमंत्री आए, आज अखिलेश आए, मायावती भी आई सुनने में आया है। क्या समीकरण बैठाने की कोशिश की जा रही है? यहाँ जो समीकरण है, कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट ना होने की वजह से यहाँ समीकरण चौधरी साहब, चौधरी विजेंद्र जी के उपलक्ष्य में जा रहे हैं। और ये हमारे जो महोदय सांसद हैं वर्तमान, इनका जो है ये तीन बार, जो दो बार हो चुके हैं, सतीश कुमार गौतम जी, इनका भी चल रहा है, लेकिन इनका थोड़ा सा बीच में कुछ मनमुटाव हो गया, जिसकी वजह से कुछ गांवों में ये गए, वहाँ इनका विरोध भी हुआ। और एक गांव इन्होंने गोद, अतरौली के पास मेहरावत एक गांव है, वहाँ उन्होंने गोद लिया था, वहाँ पर भी लोग ने गए, उन्होंने जनता ने शिकायत करी। तो समीकरण जहाँ और मुस्लिम वोट जहाँ एक तरफा साइकिल को जाएंगे, तो चांसेस जो हैं चौधरी विजेंद्र सिंह के हो गए हैं। तो अब इसमें देखिए होता क्या है, ये तो समय बताएगा। अगर ईमानदारी से काम, खेल तो नहीं बिगाड़ेगी वोट काट के? नहीं, बिल्कुल भी खेल नहीं बिगाड़ेगी। अगर ईमानदारी से काम होता है तो हो सकता है ये साइकिल वाले हाथ मार के ले जाए। ईमानदारी से होता है, अगर कोई गड़बड़ होती है, जैसे कि ईवीएम में समझ सुन रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है, कुछ है, मानते हैं इस चीज को? मैं नहीं, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता साहब, इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता, हो भी सकता है और नहीं हो सकता, दोनों ही बातें हो सकती हैं साहब, हम इसमें नहीं कह सकते कुछ भी। क्या लग रहा है कौन जीत रहा है? मैं तो भैया और कोई जीता है, अलीगढ़ से और कोई जीता, कोई पार्टी मतलब गौतम जी ने जीते? हाँ ना, हाँ कुछ नहीं किया बाबू ना, कोई हम मजदूर हैं या कर रहे हैं, 5-6 हज़ार बनते हैं, कछु नहीं है, आज तक कोई बात ना पूछी ना कोई नाच, कितना सस्ता है रोज आए देख रहे हैं, गरीब आदमी 200 रुपये मिलते हैं, गृहस्थी को वो भर लियो, कोने को पेट भर लियो, भर लियो कोई आदमी, वो होटल में फूक देते हैं, 1000-1000 पर बन जाए, विकास नहीं हुआ मतलब फिर हमारा कोई विकास ना, हम तो ड्यूटी करते हैं, 200 रुपये मिलते हैं, जय जगन्नाथ जी बाबू जी, बच्चे ने पालन करते हैं, कभी रोटी है जाते हैं कभी ना।